बिखर गया परी का संसार। संजू और नीति बने परी का सहारा। रिश्तों में नए तूफान का आगाज। कलर्स के सीरियल परिणीति में परी ने अपने होने वाले बच्चे को खो दिया है। ऐसे में वो टूटकर बिखर गई है और इमोशनल हो रही है। अपने आंसुओं को संभालने की कोशिश में लगी है, लेकिन क्या करे, एक माँ का दर्द होता ही ऐसा है। ऐसे में संजू परी को संभालने की कोशिश कर रहा है, उसे समझा बुझा रहा है, लेकिन परी के आंसू थम नहीं रहे। इसी बीच वहाँ पर पहुँच जाती है नीति भी, जो परी को संभालने की कोशिश करती है और बातों ही बातों में परी को ऐसी बातें कहती है जिससे नीति का भी छिपा हुआ दुख बाहर आने लगता है और साथ ही बाहर आता है दिल का आक्रोश भी। मुझे पता है, एक बच्चा खोना एक बच्चा ना अपने साथ माँ का बहुत कुछ ले जाता है, अंदर ही अंदर एक ऐसा खालीपन आ जाता है जो कोई नहीं भर पाता। एक बच्चा जब पैदा होता है तो ना जाने कितने नए रिश्ते बनाता है, लेकिन जब वो बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाए तो कई रिश्तों को तोड़ के चला जाता है, अपने घरों का भय होता है। इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यही देना पड़ता है। शायद तुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई होगी, तभी तुझे इतनी बड़ी सजा मिली, वरना और कोई वजह नहीं हो सकती। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, पर एक बच्चा हस्बैंड वाइफ के बीच की सबसे बड़ी कड़ी होता है, छोड़ के गठबंधन को बांध कर रखता है। तेरे बच्चे का चले जाना मतलब तेरे और चीजों का गठबंधन। ये एक्चुअली संजू परी और नीति का सीन था, और पहले संजू और परी अपना दुख बांट रहे होते हैं बच्चे के जाने का, और फिर नीति आती है एंड देन नीति को अपने दिन याद आते हैं जब उसने भी अपना बच्चा खोया था और वो इसी रूम में थी, क्या होता था, उसको फ्लैशेज आते हैं एंड देन वो भी उस गम को फील कर पा रही है जो परी फील कर रही है। तो बस उसे वो कंसोल करती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये भी बता देती है कि अब तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम्हारा बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि मेरा और संजू का बॉन्ड भी तभी टूटा था व्हेन वी हैड लॉस्ट आवर किड। तो वो यही चाहती भी है कि हो जाए ऐसा। तो मैं अपने उसमें भी थॉट में भी यही सोचती है नीति कि अब जो तूने मेरे साथ किया था, जैसा हुआ था वो सब रिप्ले होगा। तो हाँ, थोड़ी इमोशनल होती है, उसके बाद फिर वो उसको कंसोल करती है एंड देन उसको इनडायरेक्टली कुछ और भी बोल जाती है। परी के ससुराल में एक तरफ जहाँ दुख आया है, वहीं दूसरी तरफ एक गुड न्यूज भी आई है। गुरिंदर जो कोमा में थी उन्हें होश आ गया है और अब वो सही सलामत घर लौट आई है, लेकिन गुरिंदर के हाव भाव बदले बदले से हैं। वो नीति का सच सभी को बताने के बजाय परी को ही इनडायरेक्टली ताने कसती है और साथ ही परमिंदर के सामने गुजारिश करती है कि उनकी आरती उनकी बहुरानी यानी कि परी ही उतारे। Hey!
अच्छी बात है, कुछ चेंज भी होना चाहिए ना। बहू भी क्यों नहीं उतार सकती सासू माँ की आरती, वो उसको इतना मानती है। तो वैसे वो इनडायरेक्टली गुरिंदर जी ये करती हैं, क्योंकि गुरिंदर जी को पता चल चुका है कि वो अब प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं है कि वो इनको नहीं पता है, गुरिंदर मैम को। तो बस वो प्ले अलोंग करती हैं, और मैं तो और बेबे तो ऐसे हैं शॉक में कि ये क्या हो क्या रहा है, और ये बता क्यों नहीं रही है सच, क्योंकि गुरिंदर मैम को मेरा सच पता चल जाता है कि मेरी याददाश्त नहीं गई और मैं ही उनको गिराने वाली, तो फिर क्या हो गया। तो वो हम उसी उसमें हैं कश्मकश में कि क्या कर रही है, क्या नया प्लान कर रही है ये, क्योंकि गुरिंदर जी भी तो कम नहीं है, शी इज़ ऑल्सो वेरी छुपा रुस्तम एंड चालू। अब गुरिंदर के मन में क्या चल रहा है ये तो गुरिंदर ही जानती हैं, लेकिन उनके इस रवैये से नीति और बेबे दोनों ही परेशान हैं, क्योंकि उन्हें डर है। फिलहाल तो नीति इस बात को लेकर बहुत खुश है कि अब परी और संजू का रिश्ता टूटने की कगार पर आएगा, क्योंकि उनके बीच की कड़ी खत्म जो हो चुकी है। कहीं ना कहीं नीति को दुख भी है, क्योंकि वो बच्चा नीति का भी था। ऐसे में नीति अपने आप को दर्पण में देखकर इमोशनल तो होती है, लेकिन फिर अपने आप को संभाल भी लेती है। बेसिकली तो बच्चा संजू और नीति का था, और अंजी से परी जन्म दे रही है, तो बेसिकली इट वॉज नीतिज चाइल्ड। तो वो यही सोचती है कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ, वो तो मेरा बच्चा था जो मरा है। बट देन वो सोचती है कि नहीं, बच्चे से पहले तो संजू मेरा है ना, और संजू को मुझसे जिसने अलग कर दिया वो बच्चा ही रीज़न था, तो इसलिए उसको इसलिए फिर कहती है मुझे कोई दुख नहीं है उस बच्चे के जाने का, तो मुझे मेरा संजू चाहिए, बस उसका अल्टीमेट गोल है संजू। भाई नीति के सर पर तो संजू का जुनून सवार है, देखना होगा कि उसे पाने के लिए नीति और कितनी चालें चलेगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और अब तो आ गए हैं हम आपके व्हाट्सएप पर भी।